प्रदेश मंत्रिमंडल ने रात्रि कर्फ्यू किया समाप्त। 50% क्षमता से आयोजित हो सकेंगे समारोह। खनन संबंधी नियमों में संशोधन कर ठेकेदारों को भी दी राहत। कांगड़ा जिला में स्थित विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग साइट बीर बिलिंग में सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के लिए जल्द लॉन्च की जाएगी मोबाइल ऐप। पर्यटकों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। मनमाने दाम वसूलने पर भी लगेगी लगाम। ऊना जिला के पालकवाह में 4 करोड़ रुपए की लागत से VRDL प्रयोगशाला तैयार। अब बाहरी संस्थानों में जांच के लिए नहीं भेजे जाएंगे कोविड सैंपल। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए कुल्लू में आज से जन जागरूकता अभियान शुरू। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की कोविड-19 जागरूकता मोबाइल वैन। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा हमीरपुर जिले की डुग्गा पंचायत में आयोजित किया गया जागरूकता शिविर। निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा ने युवाओं को दी स्वरोजगार व रोजगार संबंधी कोर्स की जानकारी। प्रदेश में मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना।